हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्विच लीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं लक्ष्य चौधरी की एक अनदर वीडियो, वर्स्ट स्ट्रीट फूड ऑफ इंडिया वायरल फूड ब्लॉगर्स रोस्ट लक्ष्य चौधरी। ओके, तो फूड ब्लॉगर्स ऑफ कोर्स बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स हम लोग डे बाय डे रोज देखते हैं, है ना। शॉर्ट्स चैनल जब भी खोलो, शॉर्ट्स वीडियोस, ठीक है, तो यही चैनल्स मोस्टली दिखाए जाते हैं। ये एक तो ये, और या तो एक वो फेक मोटिवेशन वाले जो वीडियोस होते हैं वो। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू मस्ट बी चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चाय 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 चाय, पंडित जी की चाय ट्राई कीजिए। हमारे पास टेस्ट है, क्वालिटी है, हाइजीन है और रीजनेबल प्राइसेस भी हैं। डॉली बाय, डॉली बाय, डॉली बाय, डॉली बाय, डॉली बाय, डॉली बाय, डॉली बाय। सॉरी भैया, आपके पास क्वालिटी है, टेस्ट है, हाइजीन है, लेकिन व्यूज़ नहीं है ना। और मैं ठहरा फूड ब्लॉगर, तो मुझे तो व्यूज़ चाहिए। तो अगली बार ऐसा कीजिए, या तो कुछ उटपटांग सा पहन के आइए, या फिर अपनी मिसेज को लेके आइए, तब मैं पक्का कंसिडर करूँगा। लेकिन इस टाइम के लिए जोली भाई, जोली भाई। चाय बनाने का प्रोसेस सिर्फ 3 स्टेप का है, पानी, चाय पत्ती, दूध, चीनी, उसके बाद इलायची, अदरक इच्छा अनुसार। और ये चाय आपको किसी भी गली के कोने पे, नुक्कड़ पे मिल सकती है। पर हमें पंडित जी चाय वाली चाय थोड़ी पीनी है, हमें तो डोली का मूत पीना है, क्योंकि इंटरनेट पे तो हमने फूड ब्लॉगर्स को डोली की वीडियो बनाते हुए देखा है। अब मैं इसकी चाय को पेशाब क्यों बोल रहा हूँ, ये तुम खुद ही देख लो। जिस तरह चाय के दूध में अपनी जीभ लगा रहा है ना, वो दूध तो बचा नहीं, वो मूत ही बन गया। पहले लोग डरते थे कि दूध को कुत्ता या बिल्ली झूठा ना करते, अब लोग डरते हैं कहीं दूध को डोली झूठा ना करते। और मजे की बात यह है कि डोली अपनी चाय की वजह से ही फेमस नहीं है, डोली अपने फैशन की वजह से फेमस है। कसम से अगर मैंने इसकी कोई वायरल वीडियो ना देखी हुई होती ना, और इसको मैं ऐसे पहली बार देख लेता इन बरूप में, तो इसे मैं 20 रुपए दे देता। नहीं, चाय के लिए नहीं, 2 ग्लूकोन डी के पाउच घोल के पीने को। इसके जैसे लोंडे नोएडा कॉल सेंटर्स के बाहर सिम ब्लैक करते हैं भाई, केटीएम पे तो चाय बेचने आते हैं। लोंडे बताते हैं हमारा कैंपस प्लेसमेंट एचसीएल में हो गया, जाते स्प्लेंडर पे हैं। बॉस, मैं बता रहा हूँ, इस देश में सिर्फ चाय वालों का स्कोप है। तो चाय के अलावा कुछ और भी मिलता है अपने पास, या केवल चाय? चाय मिलती है, नाश्ता मिलता है। अच्छा, नाश्ता मिलता है, और सिगरेट मिलती है। और सिगरेट मिलती है, तो सिगरेट को आप सपोर्ट करते हो, सिगरेट बेचने को? सपोर्ट नहीं करता हूँ मैं, वो बुरी चीज है, वो बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। ये पकड़ कट्टा, और बिना लाइसेंस का है, 3 गोली गारंटी है, 3 में मर्डर कर दिया, उसके बाद की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जोली भाई, आप कट्टे को सपोर्ट करते हो? नहीं भाई, कट्टे से तो लोग मर जाते हैं भाई, बहुत बुरी चीज है। अरे फटाफट तू 25,000 रुपए निकालना भाई, फिर ग्रेनेड का कस्टमर भी वेट कर रहा है उधर। तो आप ग्रेनेड को सपोर्ट करते हो? नहीं भाई, ग्रेनेड तो उससे बुरी चीज है, 1,000 लोग एक साथ मर जाते हैं। पर क्या करें, स्टॉक में तो बेचना पड़ता है, कस्टमर मांगता है। तो शायद ही कोई इंडिया में ऐसा हो जिन्होंने डोली भाई को ना देखा हो। और चलो ये तो ठीक है, आपके जो बाल है, आपने इतने अच्छे से वेल मेंटेन किए हुए, इनका क्या राज है? इनका क्या राज है? शैम्पू जो कभी नहीं लगाया, कंडीशनर तो पूछो ही मत, और कटिंग तो ब्लेड से करता है। बालों का राज भी किससे पूछ रहा है? माधुरी दीक्षित है ना वो, तेज कांति लगावे, लगा ले तू भी। भैया जो आपका मतलब इतना स्टाइल है, ये आपका स्टाइल कहाँ से इंस्पायर्ड है? ज्यादा करके तो मेरे को साउथ की मूवी पसंद है। अच्छा, साउथ की मूवीज से? उसमें एक हीरो ऐसा है, रजनीकांत जी, उनको ही देखते हैं। हाँ, एक्टिंग वगैरह, स्टाइल वगैरह साउथ के थोड़ी ना। हाँ भाई, हूबहू रजनीकांत का थूका हुआ रजनी, गंदा लग रहा है। और ये चाय सर्व करने का तरीका देखिए आप, डोली भाई का मतलब ना केवल लोग इनके स्टाइलिश है, बल्कि चाय सर्व करने का तरीका भी बेहद स्टाइलिश। भाई नॉर्मल सबकी तरह ही तो है, बाकी लोग के टट्टों पे रख के चाय सर्व करते हैं, सब ऐसे ही करते हैं हाथों से। ओ भाई, सत श्रीकाल मैम। सत श्रीकाल जी। थैंक यू मैम, आपने टाइम दिया अपना। ये है आपका इक्वलिटी, हम मर्द तो हम गलत, लड़की फीके पकोड़े भी दे दे तो ओहो हो हो हो, और मर्द स्वादिष्ट छोले भटूरे भी बेचे तब भी उसके साथ गुत्थम गुत्था। और ऐसी वीडियो बनाने वाले लोग अपने आप को फूड ब्लॉगर का टाइटल कैसे दे रहे हैं भाई, ना तो अच्छे रेस्टोरेंट सजेस्ट करते, ना अच्छा बीटेक चाय वाली। सर, जिंदगी में मुझे कुछ करना था, सोचा बीटेक करते करते साथ में अपना छोटा सा बिजनेस से शुरुआत क्यों ना करूं। मेरे घर वालों को नहीं पता है कि मैं ये काम कर रही हूं, मैं यहां पे चाय बेच रही हूं, क्योंकि उनकी भी सोच यही है कि ये चाय का ठेला लगाना ये कोई अच्छे घर के लोग नहीं करते हैं। क्यों भाई? अगर पहले बीटेक सही से कर लेती तो ये दिन तो ना देखने पड़ते। कि जरूरी नहीं हमेशा हर काम लड़का ही करे, लड़की भी कर सकती है। लड़का लड़की वाली बात का यहाँ क्या मतलब है? कहाँ से आ गई लड़का लड़की वाली बात यहाँ? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कराई बीटेक, और तुम यहाँ एंटरप्रेन्योर बनने के चक्कर में बेच रही हो चाय। असल में मुद्दे वाली बात ये है कि अगर तुम्हारे अंदर का बिजनेसमैन इतने ही फटफड़े मार रहा था जवानी से ही, तो 15 लाख की बीटेक करने के बजाय ना तुम्हें 1 लाख की बीए होम साइंस करनी थी, और उसके बाद बेच लेती चाय। चाय तो तब भी बिकने से मना ना करती। ये प्रफुल्ल एमबीए चाय वाली
वाले का सूखा ज्ञान और आधे अधूरा मोटिवेशन फ्रॉम द सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स। ये देश के युवाओं को बहुत गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है। गाइस एक्चुअली आई हैव अ बैड न्यूज़, ठेली लगाना बिजनेस नहीं होता और ठेली लगाने वाला एंटरप्रेन्योर नहीं होता। तो बच्चों को क्या हो गया, बीटेक एमबीए कर करके चाहे छोले भटूरे के ठेली लगा रहे हैं, उसको बिजनेस बता रहे हैं, रोज का गल्ला गिनवा रहे हैं। ये सब भरम ना इन्होंने एमबीए चाय वालों और चाय सुट्टा बार वालों ने फैलाए हैं अपनी फ्रेंचाइज बेचने के लिए। असल जिंदगी में इनके खुद के बिजनेस मॉडल नेगेटिव में जा रहे हैं। बिजनेस टाइकून बनेंगे, यूनिकॉर्न बनाएंगे, गोलगप्पे चाय बेच के हैं। आज स्टार्टअप बहुत छोटा है, उम्मीद ये है कि इसे बहुत बड़े, जी उम्मीद नहीं जिद है। तेरे मुंह पे चाय फेंक के मारूंगा मुंह पे अगर आज के बाद ये चाय में मलाई आ गई तो। मेरे को बहुत ज्यादा गेन आती है इस चाय की मलाई से, इसे ठंडी करके दिया कर बर्फ में डाल के। वर्तिका तब आजकल तो बहुत लोग सेल्फी लेने आ रहे, सब कुछ लेने आ रहे, तो आपको कैसा फील हो रहा है, सेलिब्रिटी टाइप या समथिंग एल्स? हाँ आजकल तो वैसे भी हर दूसरा ठेले वाला हमारे देश में सेलिब्रिटी बन रहा है 2 महीनों के लिए, और जिस देश में आइटम नंबर डालने से पिक्चर का प्रमोशन हो जाता है उस देश में अगर चाय बेचे वो भी लड़की, तो जिसको अर्जनी है वो भी पीने चला जाएगा एक बार को। तो एमबीए चाय वाला, बीटेक चाय वाली, अब अनपढ़ करे तो करे क्या, आईटी कंपनी में एचआर लग जाए। 18+ एडल्ट गोलगप्पे वाला, 18+ क्या भाई, रेडे पे 69 की पोजीशन में बैठ के सर्व करता है क्या, या नंगा खड़ा होकर बनाता है? तुम्हारे अंदर भी यही सवाल होंगे ना, लो जवाब। 18 साल से नीचे वालों को गोल, 18 साल से नीचे वालों को नहीं दिए जाएंगे। अरे सर बच्चे बाथरूम कर लेते गोलगप्पे खा के जी, जो लेडीज आती है ना, हाँ जी, उनसे सर आप मना कर देते कि उनको नहीं आ जाते बच्चे और लेडीज को यहाँ गोलगप्पे नहीं मिलते, सिर्फ 18+ को मिलते हैं। गोलगप्पे हैं मनाली का शिलाजीत। तो ये भी हींग मिला रहे हो आप, हाय राम जी, हाथ पूरा गप्पे में वो पानी बनने जा रहा है। ऐसा करो ना अंकल जी, इस डिब्बे में पहले घुस के नहा लो आराम से इस पानी से, और निकलते निकलते हग भी इसी में ही देना। अब समझ आया मुझे कि और तो क्यों खाना अलाउड नहीं है। अरे वो खुद ही नहीं खाती होंगी, इसने बाद में भरम फैलाएगी, अलाउ नहीं कर रहा। ये पानी आप खुद बनाते हो और बाकी फिर स्टाफ का काम है? नहीं, जो मेन काम होता है वो हम करते हैं। हाँ जी, स्टाफ करता सर। अबे गोलगप्पे बेचने में स्टाफ, पानी तो सरेआम खुले में बना रहा है, इसमें और सेकेंडरी काम क्या बचा स्टाफ के लिए? अंकल जी तुम्हारे जैसा आदमी खुद किसी स्टाफ में सबसे नीचे काम करता है, तुम्हारे नीचे भी कोई स्टाफ है? दिन के 25 गोलगप्पे बेचने के लिए 15 लोग लगते हैं क्या? सच में यार देश में नौकरियों की बड़ी तंगी चल रही है भाई, मुझे अब रियलाइज हो रहा है। जोली भाई सुबह 9 बजे इतनी भीड़ है, कमाई अच्छी खासी कर रहे हो उसका मतलब? सारे फूड ब्लॉगर ही है, कस्टमर एक भी नहीं है, आदमी की प्राइवेसी को प्राइवेसी नहीं समझते। कल मूत तो है मेरी वीडियो बना के वायरल कर दी कि जोली भाई के चाय का सीक्रेट मसाला ये मूत है। अरे जोली भाई मैं खाऊंगा पीऊंगा ना, मैगी लगा दो एक। मैगी नहीं मिलेगी, प्रोटीन मैगी मिलेगी। हाँ ये सही है, और इसके साथ एक चाय और लगाओ। चाय नहीं मिलेगी, हार्पिक चाय मिलेगी। लेकिन उससे पहले यार मुझे पानी पिलाओ। पानी मिलेगा, कोलिन वाटर। ये जो फूड ब्लॉगर्स है ना, ये खुद अपने घर से खा के निकलते हैं ऐसी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इन्हें भी पता है जिन अतरंगी ठेलों पे और ठेली वालों के पास ये जा रहे हैं ना, वहाँ खाना इतनी बार इम्प्रोवाइज हो चुका है जितनी बार मूवी की स्क्रिप्ट नहीं होती। पिज्जा अपने आप में रोटी से इंस्पायर होके बना, उसका शेप और साइज खुद बयां करता है कि उसको ऐसे डायरेक्टली सर्व करना चाहिए ओवन से निकालते ही। लेकिन उसको भी इंडिया में हम कुल्हड़ में सर्व कर रहे हैं, कुल्हड़ पिज्जा। तो ऐसा करो ना, चाय मुंह से सर्व करने लगो, डायरेक्ट कुल्हड़ कर दो कस्टमर के मुंह में, क्योंकि कुल्हड़ में तो आप बर्गर पिज्जा डोसा बिकेंगे। उल्टा पुल्टा करने से अगर बिक्री होती है तो आइसक्रीम हॉटपॉट में सर्व कर दो, कोल्ड ड्रिंक प्लेट में देने लगो, चाउमीन तवे पे बनाने लगो। भैया जी मात्र 149 रुपए में दिलवालों के शहर दिल्ली में काठी कबाब विद मसाला कुलचा, जितना चाहो उतना खाओ, मात्र 149 में 2, 4, 6, 8 जितनी आपकी इच्छा है। 7,000 रुपए का नगद इनाम मेरे भाई, मेरे हाथ से लेके जाना, अगर आधे घंटे में हमारी अनलिमिटेड थाली खा लो, 20 रुपए की अनलिमिटेड थाली, तुम खाते खाते थक जाओगे, मैं खिलाता खिलाता नहीं थकूंगा मेरे भाई। भैया हमें भी खिलाओ यार अनलिमिटेड थाली। दो भाई को अनलिमिटेड थाली, खाना कहाँ है? थाली तो अनलिमिटेड है, खाने के तो पैसे हैं। एक भाई बहादुरगढ़ से आया था, 15 कुलचे खा के जा चुका है, लेकिन अब आप आज के इसमें हम 16 कुलचे इकट्ठे लगा के देंगे बाहुबली थाली में। आपने रिकॉर्ड तोड़ा, ये बाहुबली थाली है, और क्या इनाम मिलेगा? इनाम कुछ नहीं मिलेगा आपको, बस ये बाहुबली थाली पर इतना बड़ा होता है, थाल होता है पूरा। पहले तुम्हें पैसे दूं मैं, फिर तुम्हारी दुकान के 16 कुलचे खाऊं, पेट में 1 किलो गोबर इकट्ठा कर लूं अपने, और मिलेगा मुझे कुछ नहीं? ऐसा तुम्हारी दुकान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वहाँ रिकॉर्ड तोड़ूंगा, मेरा नाम दर्ज हो जाएगा वहाँ से, सर्टिफिकेट पर हमेशा मेरा नाम चलेगा, डॉक्टर भी बाद में यही कह देगा बस ये कि आपका प्यार है। और इस फूड ब्लॉगिंग इंडस्ट्री की एक सबसे खास बात है, यहाँ पे फूड ब्लॉगर्स और व्यूअर्स पहले एक दुकानदार को फेमस करते हैं, उसके बाद एक्सपोज। पहले एक गरीब ठेले वाले के यहाँ जाके वीडियो बनाए, उसकी गरीबत बट खाने के लिए उसके पैशन को लेकर उसकी फेस वैल्यू बनाए, उसके बाद वो जैसे ही फेमस होगा तो बाकी उभरते उभरते फूड ब्लॉगर्स उसकी दुकान में जाएं, उसकी दुकान में उससे खाने से ज्यादा वीडियोस बनवाएं, और जब वो त्रस्त होकर नया नया गरीब से अमीर हुआ दुकानदार उनकी माँ बहनों को सादर प्रणाम करेगा और साथ में उनकी थूक पर 3-4 थप्पड़ खींच देगा, तो फिर उनकी वीडियो के टाइटल बेस्ट फास्ट फूड कॉर्नर से बदलकर बेस्ट
फास्ट फूड कॉर्नर वाला घमंडी एक्सपोज हो जाएंगे। और इधर दूसरी तरफ भोले भाले व्यूवर्स जो अब तक उस गरीब दुकानदार की अच्छी अच्छी वीडियोस वायरल होने के बाद उसकी दुकान पर अनलिमिटेड खाना खाना चाहते थे, अब उसकी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वायरल घमंडी वीडियोस देखकर उसको अनलिमिटेड गालियां बक रहे होंगे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों ये कहानी थी लाइफ ऑफ अ फूड ब्लॉगर फीचरिंग गरीब ठेली वाला एवरी न्यू सीजन। अभी सास ससुर एक ग्लास पानी मांग लेते ना शादी के दूसरे दिन तो डोमेस्टिक वायलेंस बता देती। लोंडे को ये कहती, ओ माय गॉड कितनी नैरो माइंडेड फैमिली है, बहू को बेटी की तरह ट्रीट नहीं करते, बहू को नौकर समझते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट। और इधर मुकेश को 20-20 रुपए में पनीर चाप खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ तो एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे। अभी क्या खिलाने वाले आप मुझे ये बताओ? आपको रैप खिलाएंगे, ठीक है, और जो हमारी स्पेशलिटी है कुल्लड़ पिज्जा, अच्छा, वो खिलाएंगे। लोग बचपन में लोकल भाई थोड़ा साफ तो कर लेते हैं, आइसक्रीम खाने में दिक्कत होती थी कि कभी ये नाली के पानी से तो नहीं बर्फ जमा रहा, पर कुल्लड़ पिज्जा ओके इनके लिए एकदम कुल्लड़ पिज्जा। अरे बेवकूफी करनी है तो कैसे ही कर लो यार, डायरेक्टली कस्टमर का मुंह खोलो, उसमें पिज्जा का बेस डाल दो, उसके ऊपर प्याज शलजम टमाटर डाल दो और फिर कस्टमर को घुमाओ, उसके चूतड़ के बीच में चीज रख के चीज बस्ट कर दो। इलॉजिकली कुछ बनाना है तो कैसे भी बना दो। भैया मुझे बताओ ये लव स्टोरी स्टार्ट कैसे इंस्टाग्राम से? ठीक है भाई, अब बहुत सही। इंस्टाग्राम आजकल लव भी सोशल ही हो रहा है, क्या बात है। तो फिर कैसे हुआ लव, मतलब अरेंज मैरिज? नहीं, लव मैरिज जी नहीं, लव प्लस अरेंज है। लव प्लस अरेंज है नहीं, ये आजकल मैं बहुत सुनता हूँ, हमारे तो लव प्लस अरेंज है, हमारे तो लव प्लस। अबे जब शादी से पहले लव हुआ और फिर शादी हो गई तो लव मैरिज ही तो हुई नहीं, ये नैन मटक्का कर लेंगे, ये आशिकी कर लेंगे, ये आवारा घूम लेंगे। और जब इनके घर वाले उस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना तो बोलते हैं लव प्लस अरेंज। नहीं क्या तुम्हारे लिए फिर लव मैरिज सिर्फ भाग के शादी करना है? कि जिन्होंने घर वालों को नहीं बताया, जो घर वालों की मर्जी के खिलाफ भाग गए वो तो लव मैरिज, और जिनके घर वालों ने एक्सेप्ट कर ली वो लव। इनके लिए यही चीज, लव स्टोरी इंस्टाग्राम से शुरू तो हुई लेकिन आगे कैसी बड़ी हो तो बताओ हमारी ऑडियंस को। पहले दिन ना एक्चुअली मेरी बात हुई, हाँ? बात करते करते ऐसे लगा जैसे मतलब काफी टाइम से बात कर रहे हैं। दूसरे दिन बातों में प्रपोज हो गया था दोनों तरफ से। तुम भी देख लेना भाई, दूसरा दिन परमजीत पराठे वाले को आलू के पराठे के ऑर्डर के साथ साथ गुड नाइट किसी ना भेज रही हो, फिर तुम्हें भी कहीं लव प्लस अरेंज मैरिज ना करवानी पड़ जाए। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, किसी को भी कुछ उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं है, जो भी कहना है जो भी बोलना है हमारे यहीं पे हमारे कमेंट सेक्शन में होना चाहिए मेरे भाइयों। और मेरे को इंस्टाग्राम पे लक्ष्य फॉलो करना चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं, वो भी आपकी मर्जी है, पर मैं लव प्लस अरेंज मैरिज नहीं करूंगा, मतलब बाकी शादी करूंगा। और हमारा ब्लॉग चैनल जहां पे लव प्लस अरेंज मैरिज जो भी होगी वो दिखेगी वो है लक्ष्य चौधरी ब्लॉग्स, देखना ना भूलें। ओके भाई, हाँ तो फूड ब्लॉगर्स सच्ची बताओ यार, जितना इसमें दिखाया गया ना, मतलब ये इनका अवन जितना गंदा था, ग्रिल वगैरह अवन जो भी था, उससे ज़्यादा साफ सुथरा हमारे यहाँ रेड चिली वाला है, ठीक है, बिजनौर में वो कम से कम साफ सुथरे तरीके से तो खाना बनाता है, ठीक है, चारों तरफ उसके मतलब जो उसका फूड कॉर्नर है, ठीक है, वो उस पर उसने पॉली रैप करके रखा हुआ है कि हाँ बाहर की धूल मिट्टी या कुछ भी ऐसा ना जाए उधर खाने में, तो वो अच्छी बात लगी मुझे, बहुत अच्छी बात लगी एक तो, ठीक है। अभी यहाँ इन लोगों को देखो भाई यार, खाने को खाने की तरह ट्रीट किया करो प्लीज़, खाने को मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मुझे बुरा लगता है, बहुत ख़राब लगता है कि यहाँ एक ठेला है, ठीक है, उस पर खाना बन रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से, सब बढ़िया तरीके से खा रहे हैं आराम से, सब कस्टमर एकदम नॉर्मल अपना एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहीं एक फूड ब्लॉगर अपना फ़ोन लेकर फ्लैश लाइट बड़ी सी चमकाकर उसके बाद आ जाता है कि हाँ भैया क्या बना रहे हो, ये क्या डाल रहे हो, ये क्या डाल रहे हो, ये क्या डाल रहे हो, ठीक है, और अब इसको ऐसे क्यों मिला रहे हो, ऐसे क्यों नहीं मिला रहे हो। अबे वो दिन भर से काम कर रहा है, ठीक है, कम से कम वो काम कर रहा है, वो अपना मेहनत से काम कर रहा है, तू क्या कर रहा है भाई, तू क्यों कर रहा है वहाँ, फास्ट फूड खाने गया है ना, खा आराम कर निकल जा वहाँ से, ठीक है। लेकिन नहीं, इन्हें वो करना होता है कि हाँ हर एक चीज़ को बड़ी ही उस एक्साइटमेंट के साथ बताएंगे कि चाय ऐसे सर्व कर रहा है, भाई उन्हें आदत होती है एक हाथ से दो दो चार चार ग्लास सर्व करने की, ठीक है, और हर एक अभी इनको ये डॉली चाय वाला, ठीक है, ये छपरी नहीं लग रहा है, अभी इसी तरह का कोई भी लड़का दूसरा
आपको बाल कलर किए हुए या फिर KTM पे जाता हुआ और इस टाइप से कोई भी दिख जाएगा ना, सब छपरी छपरी चिल्लाएंगे, ए छपरी आ गया, छपरी आ गया, छपरी आ गया। भाई तो यही चीज़ तो होती है, वो उसकी चाय की वजह से फेमस हो गई और चाय का स्वाद भी नहीं कि चाय का स्वाद बहुत बढ़िया है या कुछ यूनिक ऐसा कोई मसाला डालता है कि चाय बहुत अच्छी बनती है, ठीक है, इसके लिए भी नहीं, जस्ट बिकॉज उसका स्टाइलिंग कैसा है, ठीक है, जस्ट बिकॉज वो चाय बनाता कितने अनहाइजीनिक तरीके से है वो, और चाय बड़ी जल्दी जल्दी वो सर्व कर देता है, तो वो उसके डेली का काम है, इसलिए उसे आदत है ऐसे सर्व करने की, ठीक है। और दूसरी बात कि हाँ, ये जो जिस तरीके से ये दूध की थैली ये कर रहा था ना हरकत, मैं सच बताऊँ मैं उस ठेले पे दोबारा जाऊँ ना, इस टाइप के जो भी हरकतें होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, अभी यहाँ पे ये कुल्हड़ पिज़्ज़ा कर दिया, हे भगवान, ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुल्हड़ पिज़्ज़ा कर दिया इनोवेशन के नाम पे। भाई अपनी दुकान को फेमस करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे पैतरे अपनाते हैं, ठीक है, बट पिज़्ज़े को पिज़्ज़े की तरह रखो ना, समोसे में बर्फ़ी और ये मतलब पिज़्ज़े को कुल्हड़ में, उसमें मुझे वो जो ब्रेड होती है बेस होती है उसकी वो तो नज़र ही नहीं आ रही थी, वो काहे का कुल्हड़ पिज़्ज़ा, वो सिर्फ उसमें मसाला भरा हुआ था बस, वो पिज़्ज़ा हो गया, पता नहीं, ठीक है। और ये जो आज अभी इन्होंने कहा लक्ष्य भैया ने कि हाँ लोग ये डिग्री लेकर फलानी डिग्री लेकर उसके बाद ठेला खोल रहे हैं, तो इसके पीछे एक बहुत बहुत बड़ी कमी है, सच बताओ तो, क्योंकि यार रोज़गार हर किसी को नहीं मिल रहा है, है ना। ये जो ठेला लगाने वाला अपना खुद का रोज़गार शुरू करने वाला जो आइडिया है, एटलीस्ट इससे उनके घर चल रहे हैं, है ना, भले ही वो ठेले लगाकर अपने आप को एंटरप्रेन्योर बोलें चाहे जो भी बोलें, लेकिन एटलीस्ट वो अपना परिवार पाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो ये, मुझे तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं लगा, बट तो ये फूड ब्लॉगर्स हैं, ठीक है, इन्होंने ज़्यादा ही भसड़ मचा रखी है कि हाँ बस हर जगह पहुँच जाओ। भाई इंसान शाम की चाय हो, शाम का कोई स्नैक हो या फास्ट फूड हो, ठेले पे जाके खाने का एक अलग मज़ा होता है कि हाँ जाओ आप इंजॉय करते हुए, उसके बाद खाओ पियो मौज करो घर आ जाओ, लेकिन ना अब तो उसके लिए भी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है क्योंकि आगे चार ब्लॉगर खड़े होते हैं, फूड ब्लॉगर खड़े होते हैं, है ना। तो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।